बेटा हो गया ठीक है। जून में भी पास करवाएंगे यार सबको, है ना। चलो तो हम लोगों ने यार कहाँ तक कर लिया था? हाँ हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, है ना, कि एक और एक अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो हम शॉर्ट रन में, और अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम लोग लॉन्ग रन में, ठीक है ना यार। अच्छा ये हमने किया था। इसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब सीख लिया था। एंड शॉर्ट रन प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन प्रॉफिट में क्या क्या चीजें हो रही होंगी ये भी सीखा था। सीखा था कि नहीं सीखा था, बोलते रहो। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये वाली टॉपिक नहीं पढ़ाई थी, मैंने कहा था चल बाद में पढ़ाऊंगी। लॉन्ग रन नो नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग रन की कंडीशन यही होती है ना बच्चा, लॉन्ग रन की कंडीशन यही होती है कि अगर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो लॉन्ग रन में, या लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, या अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो पीरियड क्या है, लॉन्ग रन है, ठीक है। तो इफ एग्जिस्टिंग फर्म्स मेक अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, इफ एग्जिस्टिंग फर्म मेक्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड। अगर शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है ना ये, तो अगर शॉर्ट रन में वो क्या कर रहे होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे होंगे, तो बहुत सारी न्यू फर्म्स हैं वो क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट्स को शेयर कर लेंगे। और जैसे ही न्यू फर्म्स पुरानी फर्म्स के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो पुरानी फर्म है वो किस पे आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। तो न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड एंड ईदर द इंडस्ट्री, सो देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई एंड कॉजिंग इन रिडक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस। फर्दर देयर विल बी एन अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट कर्व ड्यू टू द इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि मैम कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, देखो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, समझते हैं। तो जब नई फर्म्स मार्केट में एंट्री करेंगी तो वो भी तो उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगी उनके सप्लायर से, सप्लायर को लगेगा ओ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, हम अपने प्राइस बढ़ा देंगे, और हमारा जो कॉस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और हमें प्राइस क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा तो फर्दर देयर विल बी अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट कर्व ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पूछ सकते हैं कि अगर मान लो न्यू फर्म्स मार्केट में एंट्री करती है तो कॉस्ट बिहेवियर क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे जब मार्केट में लोग एंट्री करेंगे तो वो भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे सप्लायर से, और अगर सप्लायर से वो परचेज करेंगे और तो सप्लायर को लगेगा ओ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है, चलो ये काम करते ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, और वो अपने प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आई का नहीं समझ में। तो दीज चेंजेस विल कंटिन्यू अंटिल द एलएसी स्टैंड इन टू द डिमांड कर्व। नाउ यहाँ पे बात करते हैं, इफ एग्जिस्टिंग फर्म हैव लॉसेस इन द शॉर्ट रन, इफ एग्जिस्टिंग फर्म मेक्स द लॉसेस दे विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, सो देयर विल बी एन रिडक्शन इन सप्लाई, और यहाँ पे सप्लाई में रिडक्शन होगा लीडिंग टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो कॉस्ट कर्व में फॉल। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी, यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट से जब लॉस हो रहा है तो जो फर्म से वो मार्केट छोड़ के जाएंगी, और जब वो मार्केट छोड़ के जाएंगी तो फिर क्या होएगा, तो फिर अब सप्लायर जो होगा उसके पास से ना ऑर्डर्स कम हो गए, सप्लायर अपने प्राइस को गिराएगा कि काश ग्राहक आ जाए, काश ग्राहक आ जाए, और ग्राहक नहीं आएगा क्योंकि ग्राहक को लॉसेज हो रहे हैं, ग्राहक इस मार्केट से मूव कर रहा है। आई कहानी समझ में, एंड ये कहानी हो गई। तो अब यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख भाई मार्केट मेरी ही बुक से पढ़ के जाना और कहीं से मत पढ़ के जाना, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स बहुत बेस्ट से बेस्ट बुक है, इससे अच्छी बुक बनाई नहीं जा सकती है, पूरा इकोनॉमिक्स पॉइंट टू पॉइंट समराइज हो गया है, समझता है बात को। यही टॉपिक अपने मैट को उठा के देख लो, गोते खाओगे तुम लोग, जैसे एक समंदर है और समंदर में तुम एक मामूली सी मछली हो, समझता है बात को। तो फाइनली यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या है, दस मार्केट फोर्सेस एंड मूवमेंट्स इन डिमांड एंड कॉस्ट कर्व इंश्योर दैट ऑल फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, and these normal profits are included in AC and itself, and hence the condition LAR is equals to LAC, ये long run average cost की बात, मतलब ये अगर long run में हम पहुंच गए तो long run में normal profit क्या होएगा, long run में normal profit होएगा long run average revenue is equals to long run average cost, average revenue में cost भी होएगा और profit भी होएगा, और इसमें भी cost भी होएगी और profit भी होएगा। cost का मतलब ये explicit cost है और ये implicit cost है, याद आ रही है आप लोगों को ये वाली बात, समझता है। चलो नाउ अगर हम लॉन्ग रन में मूव करते हैं तो जरा देखो ध्यान ध्यान से, कंडीशन या इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग रन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
अब यहाँ पे कहते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम SMC, SAC, LAC, LMC, LMR, LAR एंड प्राइस एक दूसरे के बराबर होंगे। बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं बताया था? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। यही तो बताया था ना बेटा। हाँ बेटे, इसको क्या बोलेंगे, पी पहले बोलो, डी फिर। अच्छा सबको पता है ये क्यों बोलते हैं? अच्छा ये क्या है, ये क्या है एसी, और अगर ये लॉन्ग रन में जाएगा तो एलएसी हो जाएगा, ये एलएमसी हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट एंड इक्विलिब्रियम की, अब लॉन्ग रन में कॉमन सेंस है, लॉन्ग रन में क्या होएगा, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होएंगे ना, और अगर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होएंगे तो सिचुएशन तो एक ही बनने वाली है, डी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एल ए सी इज इक्वल टू एल एम सी एंड लॉन्ग रन कंटेन शॉर्ट रन ना, लॉन्ग रन कंटेन शॉर्ट रन, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा SASAC एंड SMC, ये भी तो आ जाएगा, तो ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि लॉन्ग रन कंटेन्स शॉर्ट रन कॉस्ट कर। तो यहाँ पे SMC, SSC, LAC, LMC, LAR, LAR एंड प्राइस ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, समझता है। आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कौन सी ऐसी मार्केट होती है, कौन सी ऐसी मार्केट होती है जिस मार्केट में हम मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को सबसे बिलो ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। एंड प्लांट्स आर यूज एट फुल कैपेसिटी, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि ऑफकोर्स अपने पास कोई चारा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्राइस है और उस यूनिफॉर्म प्राइस पे हम सभी को माल बेच रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते क्योंकि बायर को पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो बायर ज्यादा प्राइस देगा नहीं, कम प्राइस हम कर नहीं सकते क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट सैक्रिफाइस होएगा, तो अल्टीमेटली एक प्राइस है उसी पे माल बेचना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, आई बात समझ में, तो कॉस्ट को कम करेंगे तो कॉमन सेंस है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उनको फुल कैपेसिटी पे यूज करेंगे, समझता है बात को, बोलो हाँ। There will be an optimal allocation of resources. Common sense से अगर optimal level पे काम करेंगे तो optimal allocation of resources होएंगे। Consumers pay the minimum possible price. बिल्कुल सही बात है। Which just covers the marginal cost. And firms maximize profits, but they only earn normal profit. क्योंकि long run की बात कर रहे हैं तो common sense से कितना भी आप अपना profit बढ़ा लो आपको क्या होएगा, normal profit होएगा। जब फर्म मार्केट में कोई भी नहीं है, जब मार्केट में कोई भी नहीं है तभी अपने पास ये पॉसिबल है कि अपने को ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बट जब अगर मार्केट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो अपने को नॉर्मल प्रॉफिट ही होने हैं, समझता है बात को। एवरी फर्म विल बी एन ऑप्टिमम फर्म, एवरी फर्म विल बी एन ऑप्टिमम फर्म, आई बात समझ में, ध्यान रखना इस बात को। एंड मार्केट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, फोर्स एंड डिमांड सप्लाई इंश्योर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द लॉन्ग रन, आई कहानी समझ में, तो यार समझ लो ना, मतलब ये जो बातें लिख रखी है ना बेटा, ये जो है ना यार इस पे लिख रहे हो यार, गुरु कृपा है यार तुम्हारे ऊपर, जो सारी पॉइंट ना ऐसे समराइज करके लिखी हुई है, पढ़ के जाना है तुम्हारे को यार, ये गुरु कृपा है यार, ये गुरु ज्ञान है यार, ये पढ़ के जाना है, ये मंत्र है यार, समझ रहा है, चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अब ऑफकोर्स अगर सोचो हम लोग भी पढ़ते थे, हमें तो पहले पता ही नहीं होता था कि पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है यार, तो तुम लोगों को ये भी बताते चल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा फिर अच्छा ठीक है इंपॉर्टेंट हो गया, अब उसको कैसे मतलब कैसे उसको पढ़ेंगे, अब पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें समराइज मिल गई है, ये देखो जितना भी ब्लैक कलर से लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ चुका है और ये पॉइंट टू पॉइंट है, सबसे अच्छी बात है, भैया यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता यार, इसको बस पढ़ के चले जाना, नंबर मिल जाएगा तुम्हारे को, आई कहानी समझ में, जे ऐसे करके ऐसे कर दो, यही करें तो तुम लोग को मजा आती है, हाँ यही करने में मजा आती है, हाँ कुछ कह रही हो क्या बेटा, जरा नीचे से दौड़ के ना,
वो अब बहुत इम्पोर्टेंट यार है ना। चलो मैंने कुर्सी छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे देना है 100% है ना। तो भैया समझने की बात है, अब कौन सी मार्केट आ रही है? अब आ रही है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, ठीक है ना यार। अब कौन सी ऐसी मार्केट होती है जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, वो मार्केट हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहलाएगी, एंड बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा होंगे। बट अब अगर बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यार ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, बट कितने लार्ज? तो सुनो, जो सेलर्स होंगे वो 80 to 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो सेलर्स होंगे वो मार्केट में 80 to 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एंड जो बायर है वो बहुत लार्ज होंगे, है ना। तो बायर को हम काउंट नहीं करेंगे, बायर को काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत लार्ज होंगे, पर जो सेलर्स होंगे वो कितने होंगे? 80 to 90 के बीच में होंगे। तो पहला जो फीचर है, आप लोग जल्दी से देखो, यहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट आप ऐसे लिखोगे 80 to 90 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आई कहानी समझ में? एंड हु इंडिविजुअली हैव अ स्मॉल शेयर इन द मार्केट, और सबका छोटा छोटा, ऑफ कोर्स अगर कॉमन सेंस है यार, 80 to 90 के बीच में अगर हमारे पास सेलर है तो सबका क्या होगा? स्मॉल ही तो शेयर होएगा सबका, समझता है ये बात को? अच्छा यार, वहां पे अभी जब मैंने आप लोगों को परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ाया था, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। Now, अगर हम इस मार्केट की बात करते हैं कि ये मार्केट में प्रोडक्ट कैसे होंगे, तो ये मार्केट में जो प्रोडक्ट होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे। अब यार होमोजीनियस, ये मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनियस हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होंगे। अब मैम ये क्या है, ये कैसे डिफरेंशिएट करे जाएंगे? सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट मैम पहले तो ये बता दो कि इस मार्केट को पढ़ते समय हम कौन सी मार्केट को अपने दिमाग में रखेंगे, कौन सी मार्केट को हम अज्यूम करें? जो कॉस्मेटिक मार्केट है, शैम्पू मार्केट, सोप मार्केट, आप इस मार्केट को अपने दिमाग में रख सकते हो। मैं बेसिकली ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स दूंगी वो सोप शैम्पू इनको लेके दूंगी, है ना। आप जो समझो ध्यान से, चलो एक बात करते हैं, शैम्पू की जो मार्केट है, तो शैम्पू की मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना। अगर हम शैम्पू की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज के टाइम में शैम्पू बेच रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि सभी के शैम्पू एक ही जैसे होते हैं। यार हेयर वॉश करोगे यार, सबके शैम्पू एक ही होते हैं। मैंने चिक भी यूज किया है, वो जो चिक नहीं होता है 50 पैसे में जो पाउच मिल जाता है, और मैंने वो लॉरियल प्रोफेशनल भी यूज किया है, वो 10,000 की छोटी सी बॉटल आती है, और उसको भी यूज किया है। अल्टीमेटली दोनों को लगाने के बाद सेम ही इफेक्ट दिखता है यार, समझता है बात को? तो कोई खास फर्क लगता नहीं, हाँ लॉन्ग टर्म में फर्क दिख सकता है, बट अल्टीमेटली अभी शॉर्ट टर्म में फिलहाल कोई फर्क नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि शैम्पू जो है, काम सबका सेम है, काम सबका सेम है, बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सबके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया हुआ है पैकिंग के बेसिस पे और शैम्पू के काम के बेसिस पे। जैसे कुछ कंपनीज है वो, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप हमारे शैम्पू को यूज करिए, अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आप हमारे शैम्पू को यूज करिए और पाइए काले घने लंबे बाल। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, अगर आपको कोई बालों की समस्या है, तो आप हमारा शैम्पू यूज करिए। क्या आपको थिक हेयर चाहिए या आपको फिजी हेयर चाहिए, सिल्की हेयर चाहिए? तो अलग अलग ब्रांड ने, आप देखो हर एक ब्रांड क्या कर रही है, अपने शैम्पू को कुछ इस प्रकार से एडवर्टाइज कर रही है। अच्छा, सभी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ कलर्स और कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी सोच के रखी है। सभी ब्रांड्स के अगर शैम्पू को एक बोल में निकाल दोगे, तो हमने बोल में निकाला तो आपका पहचान जाओगे ये कौन सी कंपनी का शैम्पू है? नहीं पहचान पाओगे, वो इतना सिमिलर होता है। प्रोडक्ट जो अंदर होता है शैम्पू के पाउचेस में होता है, वो तो होमोजीनियस ही होता है ना अंदर। हम अगर उसको मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 बोल्स लिए और 10 बोल्स में मैंने वो शैम्पू निकाल दिए, फिर मैं आपके सामने लेके जाऊंगी, आप नहीं पहचान पाओगे कौन सा ब्रांड का शैम्पू है। बट अगर मैंने आप लोगों को पैकेट दिखाए कि ब्लू एंड व्हाइट कलर की पैकेट में कौन सा शैम्पू आता है, तो आप क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर बता दोगे। रेड कलर की बॉटल में कौन सा शैम्पू आता है, ट्रेस्मी आता है, लॉरियल आता है। ग्रीन कलर की बॉटल में कौन सा शैम्पू आता है, और गार्नियर भी तो आता है, समझता है? इसका मतलब ये है, सोचो सोचो सोचो,
मैंने आपको कलर बताए और आपने बता दिया शैम्पू कौन सी ब्रांड का आप उसमें मिल सकता है, समझते हैं? यही है डिफरेंशिएशन। हर एक कंपनी ने अपने कलर, अपने ब्रांडिंग, अपने एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे जो प्रोडक्ट है उनको अलग अलग करके रखा है, समझता है इस बात को? तो प्रोडक्ट अंदर से सेम है बट बाहर से उसका एडवर्टीजमेंट, उसकी पॉलिसीज, उसका जो कलर है, जो शेप है बॉटल का, वो सब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे सोप, चाहे तुम डेटॉल से ना लो, चाहे तुम डव से ना लो, चाहे तुम लाइफबॉय से ना लो, अल्टीमेटली सब तुम्हारे चेहरे को साफ ही करेंगे, दिल को नहीं साफ करेगा। सभी शैम्पू का काम, सभी सोप का काम सेम ही है, सभी सोप का काम सेम ही है, बट सभी लोग अपने अपने सोप्स को अलग तरीके से एडवर्टाइज करते हैं। क्या आपको करीना कपूर देख कटरीना कैफ देखना है? आप लक्स लगाएं। कैटरीना की खूबसूरती का राज लक्स। क्या आपको सुंदर सॉफ्ट क्यूट क्यूट सी स्किन चाहिए? इसके लिए आप लगाएं डव। क्या आपको पसीने आते हैं? क्या आपके शरीर से गंदी दुर्गंध आती है? आप यूज करें डेटॉल या लाइफबॉय। देखो ना यार, हर एक सोप की कंपनी ने अपने अपने प्रोडक्ट को क्या किया हुआ है, बाइफर्क में डिफरेंशिएट किया हुआ है। हमारा अगर आपको ये प्रॉब्लम तो हमारा प्रोडक्ट परचेज करो, ये प्रॉब्लम तो हमारा प्रोडक्ट परचेज करो, सुंदर देखना तो ये परचेज करो, ये देखना तो ये परचेज करो, समझता है ये बात को? तो इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंदर प्रोडक्ट सेम है, अगर सभी को टिकिया बना के आपको दे दें, सारे सोप्स की टिकिया बना के आपको दे दें और उस पर नाम ना लिखें, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सी कंपनी का सोप है। बट आप इनके एडवर्ट, इनके ऊपर अगर अगर आपको पैकेट्स दिखाएं, नाम ना दिखाएं, पैकेट्स दिखाएं, तो आप पहचान लोगे कौन सा शैम्पू कौन सा सोप है, समझते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो, प्रोडक्ट इज डिफरेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स एंड ईच सेलर ट्राई टू एट्रीब्यूट पर्टिकुलर फीचर। हर एक सेलर अपने प्रोडक्ट में एक यूनिक फीचर डालता है जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर चीज को परचेज करते हो और वो आपकी नीड को फुलफिल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप बोरोलिन यूज कर लो। अगर आपको गोरा दिखना है तो फिर ग्लो एंड लवली यूज कर लो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये यूज करता है ग्लो एंड लवली, मैं यूज करती हूँ बोरोलिन, समझते हो? कि मैं तो ऑलरेडी गोरी हूँ। तो ये क्या है यार, इसका मतलब है कि हर एक कंपनी जो कस्टमर की नीड है वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोगों की अलग अलग नीड्स है तो वो अलग अलग नीड्स को फुलफिल करता है। कहानी समझ में, प्रोडक्ट डिफरेंस समझ में आता है? नाम ऑफ करते हैं अगला। यार ये एक ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे सेलर का कंट्रोल होता है अपने प्राइस पे। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर था उसको बिल्कुल भी मार्केट में कंट्रोल नहीं था। इंडस्ट्री एक प्राइस देती थी और उसी प्राइस पे सभी के सभी लोग क्या करते थे, गुड्स को बेचते थे। बट ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेलर का क्या होगा, प्राइस पे कंट्रोल होगा, सेलर का पूरा कंट्रोल होगा, सेलर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। इसलिए आप देखो ना यार, डेटॉल का प्राइस अलग है और बताओ ना ब्रांड्स कौन कौन सा, लक्स का अलग है, लाइफबॉय का अलग है, बस यही मुझे दो तीन सोप से पता है ना यार, सिंथॉल और फलाना टिमकाना है ना। तो ये सब क्या है, सबके प्राइस अलग अलग है। शैम्पू के बॉटल्स के प्राइस सबके क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेलर का अपने प्राइस पे कंट्रोल होता है। और अगर सेलर का अपने प्राइस पे कंट्रोल होता है तो सेलर क्या करता है, मार्केट को टारगेट करने के लिए जैसा ग्राहक वैसा प्राइस डिसाइड करता है। मान लो मेरी ही कंपनी का नाम है लॉरियल कंपनी, है ना। अब लॉरियल क्या करता है, लॉरियल सस्ते बॉटल्स भी निकालता है, 500 रुपए में भी आपको उसकी बॉटल मिल जाएगी जिसमें फैमिली पैक मिल जाएगा। और इनके जो बॉटल्स है वो 5,000 रुपीज के भी आते हैं, मतलब इनके जो लॉरियल प्रोफेशनल शैम्पू आता है ना उनके बॉटल 5,000-10,000 रुपीज के आते हैं। मतलब आपको अगर आपको 500 ml लेना है तो 500 ml इनका 500 में भी मिल जाएगा और 5,000 का भी मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से ग्राहक को टारगेट करना चाहती है। तो जैसे ग्राहक को वो टारगेट करना चाहती है उसी के हिसाब से वो अपना प्राइस रखेंगे। इसका मतलब ये है सिंपल, इस मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात बोलती हूँ कि इस मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है तो जल्दी से बताओ ये मार्केट में डिमांड कर्व कैसा बनेगा। अगर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल प्राइस बहुत ज्यादा होएगा तो ये प्राइस रखेंगे और मार्केट में ये क्वांटिटी सेल करेंगे
और प्राइस ये कम भी रख सकते हैं और ये क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं। आई बात समझ में? जब प्राइस पे कंट्रोल है तो हम जैसे ग्राहक जैसी पॉपुलेशन टारगेट करेंगे उसी हिसाब से हमारा प्राइस होएगा। तो ये मार्केट में जो डिमांड कर्व बनेगा ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आप लोगों को ना ऐसे कॉमन रटना नहीं है, दिमाग लगा के देखना है कि अच्छा वहां एक यूनिफॉर्म प्राइस था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यूनिफॉर्म प्राइस था तो फिर वहां पे एक हॉरिजेंटल डिमांड कर्व फॉर्म हो गया। और यहाँ पे जो सेलर है उसका प्राइस पे कंट्रोल, मतलब प्राइस पे कंट्रोल है उसके हाथ में है। तो अगर हमें ज्यादा ग्राहक टारगेट करने हैं तो यस ऑफ कोर्स हम प्राइस कम रखेंगे तो ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाएंगे, और अगर हमें लग रहा है हायर क्लास को टारगेट करना है तो प्राइस बढ़ा दो और हायर क्लास को टारगेट करो। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, अब यहीं से एक एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो भी मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। अगर मैं पूछूं कि ये मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछूं मैं आपसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो क्या पहले बच्चे बता पाएंगे? मैम आपने हमें डिमांड चैप्टर में पढ़ाया था, वहां पे भी आपने लिखवाया था ज्ञान की बातें, और ज्ञान की बातों में मैम आपने हमें पढ़ाया था कि हायर द सब्स्टिट्यूट हायर द इलास्टिसिटी, हायर द सब्स्टिट्यूट्स हायर द इलास्टिसिटी, मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक। अब यार ये मार्केट जो है कॉस्मेटिक मार्केट, तो ये FMCG मार्केट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो ये मार्केट में भी क्या होएगा भाई, ये मार्केट में ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा लोग हैं तो जल्दी से बताओ इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई होगी भाई। वेरी सिंपल, मैं ना हमेशा ना लक्स यूज करती हूँ और लक्स वालों ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। मैंने कहा ना यार सोप का काम तो सबका सेम ही है यार, है ना, हटाओ लक्स, मैं डेटॉल यूज कर लेगी, थोड़ा सा भी प्राइस वेरिएशन आपके ग्राहक को आपसे बहुत ले जा सकता है। इसीलिए ये मार्केट में कभी भी जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो कभी भी प्राइस कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि अगर प्राइस कंपटीशन करेंगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं और ज्यादा सब्स्टिट्यूट होने की वजह से आप अपने कंज्यूमर को खो देंगे, अपने कस्टमर को खो देंगे। आई का नहीं समझ, लाओ यार। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे मार्केट है यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं होता है। आई कहानी समझ में? आ जाओ, प्रोडक्ट ये हो गया हमारे पास कंट्रोल ओवर द प्राइस, सेलर का अपने पास कंट्रोल है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सेलर्स प्राइस में फ्लैक्चुएशन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर प्राइस में फ्लैक्चुएशन करेंगे तो वो अपने कस्टमर को खो देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इसीलिए देखो अगला पॉइंट क्या है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। यस ऑफकोर्स इस मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं होता। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं यार, ये कहने की बात है कि प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं होता है, हर एक मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिशन होता है। अब बहुत खुल के नहीं होता इस मार्केट में बहुत खुल के नहीं होता है, लेकिन ऑफकोर्स एक हिडन प्राइस कॉम्पिटिशन तो हो जाएगा। ये और कुछ नहीं मिला, और ये तो बेकार लेके आओ, पैकेट जो आप लेकर पैकेट चेंज करो। अच्छा, ये इसको चेंज करके लो, दूसरी पैकेट लेके आओ। ये बेटा इसका प्राइस पैसा दिया है वो, ऐसा नहीं दिया है तो वापस कर देना, इसको कोई खाएगा नहीं, है ना, हवा निकली हुई बता दिया है दुकानदार को। इसमें कहाँ है हवा? नहीं, ये नहीं, गंदा है यार ये, इसको वापस करके आओ, जाओ दूसरी कंपनी का ले आओ, जाओ ले आओ दूसरी कंपनी का, वो और ले आओ, एक बड़ी पैकेट ले आओ, जाओ जल्दी लेके आओ, जाओ। हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी ले आना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल एक ही ले आना। सुन ध्यान से, ये मार्केट में मैगी भी मंगवा दू? अच्छा, वो स्टारबक्स की, चलो कॉफी पीने चलोगे क्या नलायक हो? हाँ आ जाओ। सुनो ध्यान से, तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। अच्छा, प्राइस कंपटीशन नहीं होता है तो कंपटीशन किस चीज का होता है यार? ये भी उसी में आ जाएगा, समझता है यार, मोनोपोलिस्टिक में बहुत गंदा यार सीरियसली। तो ये मार्केट में प्राइस कंपटीशन नहीं होता, तो किस चीज का कंपटीशन होता है? ये मार्केट में कंपटीशन होता है आपको, फॉर एग्जांपल कोई सेलर है और वो अपने सेल बढ़ाना चाहता है तो वो इस पैकेट पे लिखेगा 5% एक्स्ट्रा। अब आपका घड़ी डिटर्जेंट चलेगा 5 दिन एक्स्ट्रा, मतलब देखो प्राइस नहीं किया, प्राइस में मूवमेंट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, कैसे ग्राहक उनका माल परचेज करे, क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट के अलावा और भी बहुत सारे सिमिलर जो सोप्स हैं वो मिलते हैं मार्केट में, जिसको आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हो। अब हम अपने सोप को कैसे बेचें? प्राइस घटा नहीं सकते क्योंकि प्राइस वॉर बहुत खराब होता है। अब प्राइस बढ़ाएंगे, बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं सकते यार, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो वो क्या करते हैं 5% एक्स्ट्रा वो यूज करेंगे। अब आपका जो आपका सोप का जो पैक है वो पहले से बिगर है, अब आपका 5 दिन ज्यादा चलेगा सोप,
आपका घर डिटर्जेंट कम घिसेगा, अब आपका मतलब ऐसे भी तो एडवर्टाइजमेंट करते ना, अब आपका सोप चले 5 डेज ज्यादा, अब आपका सोप चल कम घिसेगा, मतलब उसको वाटर प्रूफ बना देंगे, घड़ी वो जो बर्तन धुलने वाला साबुन आता है उसको क्या बोलते हैं, विम साबुन, तो उसपे एक आप देखते हो जब भी उसको खोलते हो तो आप उस पर देखते हो कि एक पॉलीथिन की जैसी परत दिखती है, यानी कि आप उसको जब बर्तन धुलने के लिए यूज करोगे तो पानी से गलेगा नहीं और वो, अब वो ज्यादा चलेगा, समझता है क्या हुआ, गल के निकल जाती है, वो तो पता ही है बेटा, वो खाली एडवर्टीजमेंट है, तो इसका मतलब ये है, हाँ मुझे भी पता है बेटा, मैं भी बर्तन धुल लेती हूँ तो मुझे भी पता है, तो वो एडवर्टीजमेंट है खाली, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, समझता है, बट ये अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सभी चीजें करते हैं। आप कभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखो तो लिखेंगे प्राइस तो उतना ही है, आप उसमें क्वालिटी क्वांटिटी मिलेगी ज्यादा, तो ये क्या ग्राहक इसे अट्रैक्ट हो गया, ओ यार अब इसमें ज्यादा मिलेगा यार, 2 घूंट ज्यादा मिलेगा, प्राइस उतना ही है यार, समझता है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, कि कॉम्पिटिशन तो करेंगे बट कॉम्पिटिशन प्राइस का नहीं करेंगे, ये नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे, देखो सेलर्स ट्राई टू कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन प्राइस, फॉर एग्जांपल एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, क्लिनिक प्लस वाले कभी नहीं कहते अब आपका शैम्पू 5 रुपए सस्ता, वो क्या कहते हैं अब आपके शैम्पू में 10% ज्यादा, आई बात समझ में, अब आपका शैम्पू पहले से ज्यादा स्मार्ट, पहले ये आपके बालों को कम साफ करता था अभी आपके बालों को ज्यादा साफ करेगा, अब आपकी फेयर एंड लवली पहले से है एडवांस, पहले ये आपको सिर्फ गोरा बनाती थी अब ये गोरा बनाने के साथ साथ आपको सन प्रोटेक्ट भी करती है, समझता है, एसपीएफ आने लगी ना आप लोगों की, तो ये क्या, ये है एडवर्टाइजमेंट, समझता है, तो एग्रेसिव सेल्स सेल सॉरी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, बस 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 इतनी सारी क्यों लाए यार, बस मुझे ये चाहिए था, यस 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 ये चाहिए था, कहीं पे भी 50% ज्यादा नहीं लिख रखा है, ओ ये देखो यही तो दिखाना था मुझे आप लोगों को, 50% मोर चिप्स यही दिखाना था बेटा, ये एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है, देखो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 50% मोर चिप्स, 50% मोर चिप्स, समझता है ये बात को, तो इसका मतलब ये मार्केट में एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है, जैसे आपके थम्सअप पे कोई ऑफर नहीं आया कोई ऑफर नहीं, बट कभी कभी ऑफर होता है ना यहाँ पे 10 10 ml ज्यादा, 20 ml ज्यादा, समझता है ये बात को, चलो जितने भी बच्चे ना जितने भी बच्चे अगर अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछूंगी जो भी बच्चे आंसर करेंगे तो उनको चिप्स मिलेगा, समझता है, और कुरकुरे भी है, और ये कुरकुरे भी सही है लेकिन इसमें हवा थोड़ी सी निकल गई है, फेंक दू मुंह पे तुम्हारे, कह रहा मुंह पे फेंक दो तुम्हारे, ऐसे मेरी मम्मी भी कह रही थी तो ऐसे फेंक दूंगी मैं, फेंक दो मेरे मुंह पे, मार दो मेरे मुंह पे यार, है ना, आ जाओ यार, तो ये बात समझ में, यार देखो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ये बात बताई हुई है कि ये मार्केट में क्या होता है, प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, तो कौन सा कंपटीशन होता है, ग्राहक को खुश करने के लिए ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें अच्छी अच्छी स्कीम लेके आते हैं जिसके बेसिस पे आप इन प्रोडक्ट को परचेज करते हो, अब कभी भी नोटिस करना कि हमेशा ये लोग ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, अच्छा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये मार्केट बहुत रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, अगर आपको चिप्स बेचना है तो चिप्स में एंट्री कर ले जाओ, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बेचनी है तो कोल्ड ड्रिंक के लिए कर ले जाओ, है ना, एंड ब्रांड लॉयल्टी, जी हाँ एक चीज बड़ी खास है इस मार्केट में वो ये है ब्रांड लॉयल्टी, यार अगर आपको मतलब कोई प्रोडक्ट अच्छा लग गया या आपको कोई प्रोडक्ट सूट कर गया तो आप पता क्या करते हो, आप उसी प्रोडक्ट पे टिके रहते हो और आप वही प्रोडक्ट परचेज करते हो, समझते हैं बात को, तो ये मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी कुछ नहीं बेटा, ले जाओ, अच्छा जाओ अच्छा जाओ जाओ अच्छा जाओ, देखो रोने लगे यार, लग गया गलती से लगे था, मतलब अभी मिला भी नहीं रोने लगे कि हमारा है, किसने कहा तुम्हारा है यार ये तो मैंने ये कहा कि अभी क्वेश्चन पूछूंगी जो आंसर करेगा ना उसे चिप्स मिलेगी, अच्छा तो आ जाओ यार, ये मार्केट में बड़ी खास बात होती है ब्रांड लॉयल्टी, अगर कोई भी ब्रांड आपको सूट कर जाती है या कोई पर्टिकुलर ब्रांड है उसने आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया तो आप पता क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को ही बार बार परचेज करते हो, आपके घर में देखो आपकी मदर या आपके फादर जो भी घर का सामान लाते होंगे तो आपके घर में जो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई टूथब्रश टूथपेस्ट करते होगे, कौन सा टूथपेस्ट करते हो, हाँ दंत कांति, कितने सालों से कर रहे हो, तभी से कर रहे हो और तब से अभी तक कर रहे हो और आगे पता नहीं कब तक करते रहोगे ना, तो
मतलब एक बार उससे बहुत बढ़िया बढ़िया टूथपेस्ट मार्केट में आ गए, बट ये वही करी। कौन से कर रहे टूथपेस्ट शाश्वत, कितने सालों से कर रहे हो? अरे बचपन से कोलगेट ही आ रहा घर में, क्यों पर कौन सा टूथपेस्ट आ रहा घर पे? हाँ तब से कितने सालों से कर रहे हो? हाँ 4 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है। तो यस ऑफ कोर्स, मेरे घर में भी जो मेरे हस्बैंड है वो सामान लेके आते हैं, मतलब मंगवाते हैं वो, तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो क्लोजअप मंगवाते हैं। और कितने सालों से यार, 15 साल हो गए हमारी शादी को, 15 साल से मैं क्लोजअप ही कर रही हूँ। आई बात समझ में? अरे मजाक कर रही हो यार, सब ऐसे देख रहे हो यार। तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता यार, समझता है? आज और से देखो यार, यहाँ से संतूर वाली हो? यस संतूर वाली। ए तुम गलत बात बोलता है, तुमने क्या बोला अभी? हाँ जिम करा जाए, चलो। तो ये मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी, ये चीज, ये जो मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों का टूथपेस्ट वाला, ये ब्रांड लॉयल्टी है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप परचेज करते हो और आप उसी को परचेज करते रहते हो, है ना? तो ये मार्केट में जो सेलर होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर में ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन कर सके। आई कहानी समझ में? तो बेसिकली ये फीचर है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। नाउ अब अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? ऑफ कोर्स हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही बनने वाला है। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे इस मार्केट में बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। क्या पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, मुझे आप बताओ, क्या अगर एक पान वाला अपना प्रॉफिट कंप्यूट करता होगा तो प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करता है? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्यों? यही फॉर्मूला तो यूज करते होंगे। रिलायंस कंपनी, अगर इनको प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते होंगे? सेम टू सेम, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो चाहे छोटी फॉर्म हो चाहे बड़ी फॉर्म हो, सबके लिए सेम होगा। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने कुछ बताया होगा, तो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे ओलिगोपोली हो, सभी के सभी मार्केट में फॉर्मूला तो सेम ही होगा। यानी कि अगर मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, अब मैं पूछूंगी जिससे वो बताएगा उसको एक पैकेट चिप्स मिलने वाली है, ठीक है? जल्दी से हाथ उठाएंगे, मैं जिससे मन करेगा उससे पूछ लूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? बताओ एनसीसी। हाँ एसी इक्वल टू यार, सही जवाब, ये लो ले जाओ। हाँ दूसरा वाला ये लो ले जाओ, सही जवाब। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है परफेक्ट कंपटीशन में एसी इक्वल टू यार, अगर एसी इक्वल टू यार ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है परफेक्ट कंपटीशन में, तो सेम फॉर्मूला तो इस मार्केट में भी यूज होएगा ना। तो यानी कि इस मार्केट में भी जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो है AC इज इक्वल टू AR। बोल भाई थी कहीं समझ में आई? अच्छा आप बात करते हैं जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यार ये बताओ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आद्या आओ, ये आओ ले जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है ये, है ना? सबकी सीट पे एक एक मिल जाएगा, सब लोग मैनेज कर लेना। ओके अब बात करते हैं, अब हम पूछ रहे हैं जल्दी से बताओ कि पहले तो लिख दो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, तो यही परफेक्ट कंपटीशन में भी यूज होएगा और यही आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी यूज होएगा। अच्छा अब जल्दी से बताओ, जिससे पूछेगी वो बताएगा, लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या बताया था? यू। अच्छा मैम कह रही है AC इज ग्रेटर देन AR, तो हो जाएगा जिसकी सीट पे जो जा रहा है आधा आधा बांट ले रहा, हर एक ये सब ग्रीन ही ले रहे यार, ग्रीन में ऐसा क्या है? ब्रांड लॉयल्टी है ना, ब्रांड लॉयल्टी। ओके चलो ये हो गया, अभी बहुत लोगों को है ना, है सफिशियंट। तो ये हो गया हमारे पास लॉस। जल्दी से बताओ यार, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम क्या बताया था? रुको हम पूछेगा जो वही बताएगा, हम जिसे पूछेगा वही बताएगा। इक्विलिब्रियम क्या होएगा बेटा?
आओ ये लो बांट लेना बेटा, ऐसा नहीं फिर बगल वाले को खिला देना, एक सीट पे इसलिए एक ही पूछ रही हो। आ जाओ, तो ये क्या है, एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। मैम इसका मतलब ये चीज आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में थी और वही सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। ऑफ कोर्स प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला चाहे कोई भी फर्म हो सबके लिए क्या होएगा, सेम ही होएगा, है ना। फिर चाहे वो बड़ी फर्म हो चाहे वो छोटी फर्म हो, चाहे उसका नेचर वो प्रॉफिट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली हो, अल्टीमेटली हम यही फॉर्मूले यूज करने वाले हैं हर एक फर्म में। बोल भाई, थी कहीं समझ में आती है? हाँ सब में यही है, बढ़िया है। आ जाओ यार, अब मुद्दा ये आता है मुझे बनाना है नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व। चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बनाते हैं। यार ये अपना एमसी हो जाएगा, एमसी तो ऐसा ही बनेगा, और ये अपना एसी होएगा। मैम वहां पे तो एसी ऐसे बनाया था, यहाँ पे एसी ऐसे बनाया। अरे मैंने आपसे बताया था ना एसी और एमसी में कुछ प्रॉपर्टीज होती है और वो प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। क्यों, कितने लोग बताएंगे एसी और एमसी में क्या प्रॉपर्टी होती है? नहीं बता पाओगे तो चिप्स वापस ले लूंगी यार। एसी और एमसी में प्रॉपर्टीज, हाँ मार दूंगी मुक्का। वापस को चिप्स मेरा, वापस को चिप्स, खा गया। आओ देखो एक बार फिर से बता देती हूँ बुद्धू लाल, यहाँ पे देखो यार, ये हमारा एसी कर्व है, ये हमारा एमसी कर्व है। व्हेन एसी डिक्रीजेस, व्हेन एसी डिक्रीजेस देन एसी इज ग्रेटर देन एमसी। व्हेन एसी इज मिनिमम, ये अपने मिनिमम पे होएगा, देन एसी इज इक्वल्स टू एमसी। एंड व्हेन एसी इंक्रीजेस, व्हेन एसी इंक्रीजेस तो फिर एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, वन प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टी एंड थ्री प्रॉपर्टी, और एसी और एमसी में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वापस कर दो मेरा चिप्स। चलो तो इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ाया तो नॉर्मल प्रॉफिट में यार एसी कर मैं ऐसे बनाऊंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो गुल्लू मुल्लू, ये डिमांड कर्व है क्या, इसको प्राइस लाइन बोल सकते हैं क्या, हम इसको एवरेज रेवेन्यू कर बोल सकते हैं? अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ए आर। तो ये हमारा ए आर है, ये हमारा ए आर है, और ये देखो एसी ने ए आर को यहाँ पे, एसी ने ए आर को यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया और टच किया। तो यहाँ पे एसी इज इक्वल टू ए आर होंगे, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। आई कहानी समझ में? बोलो कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है? चलो अब प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करते हैं यार। तो ये मार्केट में भी सेम टू सेम, कि अगर शॉर्ट रन में हो आप तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और आपको लॉसेस हो रहे होंगे, और लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होंगे। आई कहानी समझ में? चलो एट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल द फर्म में बी मेकिंग, शॉर्ट रन में अ फर्म में बी मेकिंग व्हाट, अ फर्म में बी मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, बट देखो सम टाइम लिखा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है यहाँ पे। तो मार्केट सिनेरियो अपोजिट जाएगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होएगा, तो फिर लॉसेस या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई कहानी समझ में? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब काम की बात करते हैं, डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। बिल्कुल सही बात, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, क्या होता है, इलास्टिक डिमांड कर्व होता है ना। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, अगर हमारा डिमांड कर्व बनता है ये वाला, अगर हमारा डिमांड कर्व बनता है ऐसा हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। पर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होएगा, क्या होएगा, इलास्टिक होएगा। द रीजन बिहाइंड, क्यों इलास्टिक होएगा, कितने लोग हाथ छुए पूछेगी ये मार्केट में, हमारा जो डिमांड कर्व वो इलास्टिक क्यों बनेगा, एक दो और जिनको। बेटा ये जो डिमांड कर्व है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये तो परफेक्टली इलास्टिक है, और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक ना बनके इलास्टिक बनता है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रही है कि ये मार्केट में इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ,
बताओ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, गलत जवाब, गलत जवाब, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ तुम सबने, जिसने जिसने हाथ उठाए, तुम सबके सीट पे चिप्स गई है, वापस कर दो चिप्स मेरा। बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बेटा, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट की वजह, मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक। तो मैंने आपसे कहा परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स इलास्टिक होता है। अब इलास्टिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोर सब्स्टिट्यूट्स। समझता है बात को? अभी तुम लोग भूल जाएगा तो गलत होएगा यार। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ना क्रेविंग हो रही है कि आपको चिप्स खाना है या कुरकुरे खाना है, अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है, ये मिल जाए तब भी ठीक है, ये मार्केट में नहीं तो ये भी इस पे मूव कर जाओगे। समझता है बात को ध्यान से? चलो तो यहाँ पे देखो, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ईच फर्म डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, बट इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, एंड इलास्टिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। समझता है? आ जाओ। एंड यहाँ पे देखो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस मेकर। ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये मार्केट में जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस मेकर होती है, एंड इज इन पोजीशन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। यस ऑफ कोर्स, ये चिप्स का प्राइस कितना है कौन डिसाइड करेगा? ये इसका जो मालिक होगा वो डिसाइड करेगा। ये चिप्स का कितना प्राइस होगा ये डिसाइड करेगा, और ये कप कितना प्राइस होगा ये भी ये डिसाइड करेगा कंपनी। समझता है बात ध्यान को? एंड हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ओ मैम, हमें तो पता है ये वाली बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बनवा चुके हो आप। एंड द लेस डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट इज फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड द मोर इलास्टिक। दिस आई बात समझ में? तो मोर कॉम्पिटिटर्स मोर इलास्टिक, यानी मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक। समझता है ये बात को? आ जाओ। अब अगर एक फर्म को सुपर नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है यार, ये देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा फॉर्मूला सेम, लॉस होगा तब भी फॉर्मूला सेम, एसी होगा फॉर्मूला सेम, है ना? बट थोड़ा सा ना जो हमारा जो डायग्राम होएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये है हमारा डिमांड कर्व, इसको क्या कर सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, और ये बन गया हमारा एमआर कर्व। यहाँ पे एमआर कर्व क्या होएगा, अलग होएगा। एमआर कर्व की प्रॉपर्टी होती है, एमआर कर्व होता है हाफ ऑफ द एआर। एमआर कर्व की प्रॉपर्टी होती है, एमआर कर्व क्या होता है, हाफ ऑफ द एआर। तो यहाँ पे एमआर कर्व कैसा बनेगा, हाफ ऑफ द ए आर, जबकि वहां पे एमआर कर्व कैसा बना था? ये देखो, यही तो एमआर कर्व है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एमआर कर्व है, ये देखो यही 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 ए आर है और यही एमआर है, बट यहाँ पे अगर हम एमआर बनाएंगे तो हाफ ऑफ द ए आर बनेगा। आई बात समझ में? ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे इस टिश्यू को हम यहाँ से फेंकेंगे तो नीचे आएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी है ना कि किसी भी चीज को ऊपर से फेंकोगे वो नीचे जाएगा। समझता है बात को? ठीक वैसे ही यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है कि ए आर जो एम आर होता है वो हाफ ऑफ द ए आर होता है। आई कहानी समझ में? अच्छा आप जल्दी से बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है तो इक्विलिब्रियम कैसे होएगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर, वही तो इक्विलिब्रियम होएगा ना। तो ये पॉइंट पे देखो, ये एम आर है, और यही तो एम आर है ना, बोलते रहो, और ये क्या अपना एम सी है, और ये पॉइंट पे एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो ये क्या बनेगा अपना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई बात समझ में? और अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो फिर, तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने को बस एक एसी कर बनाना है। यहाँ पे ये बन गया अपना एसी कर, और ये क्या आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। सो गया क्या? ये क्या है बेटा? अच्छा, ईयरबड्स देख कर अंदर नहीं रख सकते हो, है ना? तुम लोग गुस्सा करता है तुम लोग यार, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता है। चलो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डाउट?
लाइव स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम चिप्स चाहिए। सॉरी बेटा मैंने मैसेज नहीं देखा, चिप्स चाहिए तो आओ फेस टू फेस में चिप्स देते हैं यार, आओ। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट। मैम 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 हाँ मैम, अब लॉस वाला बना के दिखाओ तो। मैम अगर आप लॉस वाला बना के दिखाओगे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम बना के दिखाएंगे। चलो तो यार ये बना हमारा डिमांड कर, है ना, ये हमारा पी, ये हमारा ए आर, है ना, बोलो हाँ। और ये है हमारा एम आर कर, और ये है हमारा एम सी कर, और हमें क्या बनाना है, लॉस। तो लॉस के लिए जब ए सी, जब ए आर जो होएगा वो क्या हो जाएगा, ए आर ग्रेटर देन ए सी होएगा, तभी तो लॉस के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, ये ए सी कर्व है। तो ये देखो ये ए सी कर्व ऊपर से जा रहा है, तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये क्या कहलाएगा अपना, लॉस कहलाएगा। आई बात समझ में? चलो अब जल्दी से प्यारे बच्चों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना के दिखाओ, मैं चेक करेगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना के दिखाओ फटाफट फटाफट। बना दिया, दिखाओ झूठे कही के। हटो लाओ, हटो वहां से, दिखाने दो उसको। और गलत हुआ तो स्केल है मेरे पास, ये क्या है, ये तो लॉस है ना, लाइक एसी ए आर से ऊपर जा रहा लॉस है। ये देखो ऐसा ही तो बनाया है तुमने सेम टू सेम। लाओ देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी नाइस। ये लीजिए, ये बच्चे सबसे पहले बना के दिखाया, वेरी नाइस। लुक जाओ, ये लो लेके जाओ, सही है, वो हवा अभी निकली हुई है। हाँ ये भी सही है, सही है, ये भी ले जाओ। बस तुम्हें मिल चुका है, देख लिया। हाँ ठीक है, देख लिया देख लिया, आओ। मतलब मुझे बांटने खत्म करने हैं। हाँ तुमने बनाया बुद्धू, गलत, माइनस एक पैकेट चिप्स माइनस। चलो देखो डिमांड कर, इसी को प्राइस लाइन बोलते हैं, इसी को एआर बोलते हैं, और यहां से इसको एमआर बना दिया, ये हो गया अपना एमसी कर। और अपने को क्या बनाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना, तो जो हमारा एसी कर होएगा वो यहां से जाएगा, और ये जो शेडेड एरिया होएगा ये क्या कहलाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। आई बात समझ में? सही बनाया तुमने, तुम्हारी सीट पे तो मिला है उसको। वो बच्ची कह रही है, वो बच्ची कह रही है, अब उसने पहले मांग लिया ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो रैंडमली कबड़ते रहेंगे यार क्लास में। आ जाओ, अच्छा इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शेयर कर लेना। हाँ इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल सुपर शॉर्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। देखो हियर द फर्म ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, यही होएगा हमारे को। शॉर्ट रन में लॉसेस भी हो सकते हैं, आई कहानी समझ में? अब आगे आओ, यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, लॉन्ग रन मैं आपको बता चुकी हूँ कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ लॉन्ग रन फर्म को क्या होंगे, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। आई कहानी समझ में? तो इस बात को ध्यान में रखना। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ खास बातें करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट को ब्लॉक में करना प्लीज। देखो यहाँ पे ध्यान से यार, ये वाला पॉइंट ब्लॉक करना। सो अंडर अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो सेलर होता है उसका प्राइस पे कंट्रोल होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आप लोगों को बताया था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो
जो सेलर होता है उसका प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और कॉस्ट को रिड्यूस करा के वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जो सेलर होता है उसका प्राइस पे कंट्रोल होता है, तो उसको पता है भाई अगर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो अपने प्राइस को बढ़ा भी सकता है यार, समझता है, तो वो अपने प्राइस को बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब ये मार्केट में कंट्रोल है, जब मर्जी करके तब बढ़ाएंगे। तो और साथ ही साथ क्या है ना कि हम एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हर ग्राहक से कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी प्रॉफिट मिलना चाहिए। और अगर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो सेलर डिमांड कर रहा है अगर वो उसके ग्राहक से मिल जाता है, तो वो फर्दर अपने प्राइस को वही कॉन्स्टेंट करता है और इच्छा नहीं करता है प्रॉफिट की, समझ में। तो ये मार्केट को हम ऑप्टिमल मार्केट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये मार्केट में जो 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 सेलर होता है वो अपने प्राइस को मिनिमम लेवल तक नहीं ले जाता है, क्योंकि प्राइस पे कंट्रोल होता है, जब भी उसको प्रॉफिट बढ़ाना होगा वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, आई बात समझ में। या फिर अगर इस मार्केट में एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वो उसको प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो फर्दर हाथ पैर मारना बंद कर देता है। अच्छा, जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे तो अपनी कॉस्ट को पुश कैसे करोगे, आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये वो मार्केट होती है जहाँ पे जो सेलर होता है वो ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं करता है, मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे काम नहीं करता है। ये कहीं जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है अगर वो डिमांड करता है और अगर वो उसको प्राप्त हो जाता है तो फर्दर वो और एफर्ट्स नहीं डालता है। देखो क्या कहते हैं, सो अंडर अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द फर्म इज नॉट अ ऑप्टिमम फर्म एंड ईच फर्म विल हैव सम एक्सेस एंड अनयूज कैपेसिटी ऑफ प्लांट। बोल भाई, इतनी कहीं समझ में आती है, बोलो, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म हो जाती, छोटी सी थी और बहुत अच्छी थी, है ना, क्यों आगे बढ़े। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, आगे बढ़ू। नाम ऑफ करते हैं, अगली मार्केट पे आते हैं जिसका नाम है ऑलिगोपोली। ये कौन सी मार्केट है और कैसी मार्केट है यार? ये वो मार्केट है ना जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब फ्यू सेलर का मतलब 2 से ज्यादा होंगे, बट 20 तक, 20 या 20 से कम हो सकते हैं, आई बात समझ में। तो 10 से लेके 15 तक, 10 से 15 या 15 से 20 तक जिस मार्केट में सेलर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो मार्केट को हम लोग बोलते हैं ऑलिगोपोली मार्केट, आई बात समझ में। तो ऑलिगोपोली मार्केट का मतलब हुआ कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे 10 से 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 अगर होंगे तो डुओपोली हो जाएगा, तो 2 नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा होंगे और 15-20 एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे 2 से 10 लिख रखा है, आप यहाँ पे 15-20 भी कर सकते हो। बोल भाई, इतनी कहीं समझ में आती क्या? आ जाओ। तो इन एन ऑलिगोपोली मार्केट यहाँ पे क्या होंगे, फ्यू सेलर्स होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी, यार ये मार्केट कैसी होती है, ये मार्केट में ना सभी के सभी सेलर्स जो होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। मैम पहले तो एग्जांपल में दिमाग में बिठाओ हमारे कि कौन सी मार्केट को हम ऑलिगोपोली बोलेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप बोल सकते हो ऑलिगोपोली मार्केट, कार सेक्टर। तो यहाँ पे देखो ना, कुछ फ्यू सेलर्स ही तो है मार्केट में, किया, हुंडई, टाटा, मारुति सुजुकी, जीप और हाँ टोयोटा और लैंड रोवर, ऑडी, मर्सिडीज, है ना, बट फ्यू सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है। अच्छा, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, समझता है। अच्छा, ये मार्केट में जो देखो इंटरडिपेंडेंसी, अब दिमाग में रखना, ये वाली मार्केट है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो हमारा ऑलिगोपोली मार्केट कहलाएगा। एंड ये मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब हुआ कि अगर एक मार्केट, एक सेलर ने कोई भी चीज लॉन्च करी तो दूसरा भी वो लॉन्च करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक ब्रांड ने एसयूवी लॉन्च करी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो सभी लोग अपने में वो लॉन्च करेंगे। अगर किसी एक कंपनी ने हैचबैक लॉन्च करी, सभी हैचबैक लॉन्च करेंगे। छोड़ो, लड़कियों के ऊपर जा रहा है, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, बेचारी बच्चियां यार, इनकी उम्र में तो मुझे कोई भी कार पहचानने नहीं आती थी, वो बात अलग है कि आज मैंने पढ़ पढ़ के अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है, कोई बात नहीं है। मुझे खुद भी नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं था, सोचा था कि टाटा नैनो मिल जाएगी, छोटी सी आई थी ना टाटा नैनो तब हमारे टाइम में, हमारे जमाने में, तो हमें लगता था यार यही कार परचेज करेंगे और बढ़िया रौले से घूमेंगे, खानदान में कभी किसी ने कार परचेज नहीं करी थी।
तो उस कार का सपना था यार, समझता है बात ध्यान को, तो इतना इंटरेस्ट था नहीं। बस नैनो पता थी कि टाटा की नैनो आती है, छोटी कार होती है, 1,25,000 में मिल जाती है, और वही कार बड़े होकर परचेज करेंगे और बढ़िया उसी से घूमेंगे यार, है ना। अब पहली कार नैनो नहीं थी हमारी, पहली कार थी कोई हैचबैक ही थी, बट नैनो नहीं थी। पहली कार सबकी छोटी होती, पहली कार और पहला घर सबका छोटा होता है, तो मेरी भी पहली कार छोटी थी, अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, होप्स के साथ और बड़ी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, डिस्कवरी सोच रही हूँ ले लूँ यार, डिस्कवरी। तो आप सुनो ध्यान से, लेकिन अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई और एग्जांपल लेती है, डेयरी प्रोडक्ट एग्जांपल लेती है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे अमूल, पराग, और बताओ, और बहुत है, मदर डेयरी, नमस्ते इंडिया, ज्ञान, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 2 से ज्यादा हैं और 15 से 20 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये मार्केट भी ऑलिगोपॉली मार्केट है। ये मार्केट में अभी अगर एक सेलर ने कुछ भी एक्ट किया तो दूसरा रिएक्ट करेगा। मतलब अगर पराग ने लॉन्च किया, नहीं मदर डेयरी ने लॉन्च किया दही मिष्टी, अब जैसे मदर डेयरी ने दही मिष्टी लॉन्च किया, सबने दही मिष्टी लॉन्च किया। पराग ने लॉन्च किया सॉल्टेड कर्ड, सॉल्टेड दही, सबने सॉल्टेड दही लॉन्च किया। अभी पराग ने लॉन्च किया वो स्वीट कर्ड, मीठा दही, सबने लॉन्च कर दिया। किसी ने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया, सिमिलर जो फैक्टर्स हैं वो सब में देखने को मिलेंगे। कोई एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी, सब प्राइस बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक सेलर अगर कुछ भी करेगा बाकी सब भी वही करेंगे। मतलब कह लो ना, वो बंदर वाला देखा है कभी, बंदर का ग्रुप देखा है, तो बंदरों के ग्रुप में क्या होता है कि अगर एक बंदर कुछ करेगा तो बाकी सारे बंदर सेम करेंगे। तो कह लो ये बंदरों वाली मार्केट है, एक बंदर शीशा देखेगा तो अगले आएंगे वो भी देखेंगे, अच्छा इसमें क्या दिख रहा है। आई बात समझ में? एक आएगा केला खाएगा आधा फेंकेगा, दूसरा आएगा केला खाएगा आधा फेंकेगा। तो ये मार्केट में वही होता है, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब एक फर्म जो करेगी दूसरी फर्म भी वही करेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई एक फर्म है उसने हैचबैक लॉन्च करी, सबने हैचबैक लॉन्च करी। किसी एक फर्म ने एसयूवी लॉन्च करी, सबने एसयूवी लॉन्च करी। किसी एक फर्म ने सेडान लॉन्च करी, सबने लॉन्च करी। तो इसका मतलब यह है कि ये मार्केट में जो सेलर्स है ना, उनमें इतना इंटरडिपेंडेंस देखते हो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो तुम करोगे वही हम भी कर लेंगे। यार आई बात समझ में? तो व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज फ्यू, एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट, प्रोडक्ट बाई एनी फर्म विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अदर राइवल फर्म्स, एंड इसके बेसिस पे वो भी करने लगेंगे। सो एन ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म मस्ट कंसीडर नॉट ओनली द मार्केट डिमांड फॉर द इंडस्ट्री बट ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। आई बात समझ में? एक एक्शन, उस पर रिएक्शन आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। आई कहानी समझ में? नाम ऑफ करते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। प्लीज देखना यार, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था मोनोपोलिस्टिक, उसमें भी लिखा था नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। ऑफकोर्स जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस में नहीं गेम खेलते हैं, क्योंकि प्राइस वॉर अच्छा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग मार्केट को गंदी करने के लिए प्राइस वॉर करते हैं, बट प्राइस वॉर लिटरली बहुत गंदा होता है। जिनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है वो प्राइस वॉर करते हैं। आप देखो ना, कभी भी जिनके प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है, अच्छे हैं, वो प्राइस वॉर नहीं करते। समझता है बात को? तो प्राइस वॉर बहुत गंदा होता है, बट ऐसा आपने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक में प्राइस वॉर नहीं होता, हिडन प्राइस वॉर थोड़ा बहुत सब में होता है। बट वैसे तो एडवर्टीजमेंट एग्रेसिव सेल्स पॉलिसीज के बेसिस पे एडवर्टाइज करते हैं, ठीक वही बात यहाँ भी होती है यार। यहाँ पे भी प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, मतलब जनरली करते नहीं है प्राइस कंपटीशन। द रीजन बिहाइंड कि अगर ये प्राइस कंपटीशन करेंगे तो ये अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसीलिए कोई भी फर्म यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं करती है। फिर मैम कैसे कॉम्पिटिट करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेस, एडवर्टीजमेंट, है ना, इन सभी चीज़ों पे वो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2016 के पहले हुंडई का मार्केट में कोई खास शेयर नहीं था। राइट ना, हुंडई का मार्केट शेयर बहुत अच्छा हो गया है। 2014 की बात है, 2014 में इन्होंने बहुत एग्रेसिव सेल्स पॉलिसीज लॉन्च करी, इन्होंने छोटी कार लॉन्च करी, इनके पास कोई छोटी कार नहीं थी तब। इन्होंने इनकी एक हुंडई सेंट्रो आती थी, वही एक थी। फिर इन्होंने मई 2014 में इन्होंने एक कार लॉन्च करी ईऑन। फिर इन्होंने अपना i20 सही किया, i10 रिन्यू किया। तो अब हुआ क्या, तो हुंडई का जो मार्केट शेयर था वो बहुत पुअर था। अब हुंडई ऐसा नहीं कि प्राइस गिरा के वो अपने प्रोडक्ट को बेच ले, टाटा नैनो ने प्राइस तो गिराया था,
टाटा ने अपनी एक कार का प्राइस गिराया और लोगों के लिए बनाया कि लटकिया कार, लेकिन उसका प्राइस इतना कम था कि लोगों को शर्म आती उस कार में, उस कार चलने में। आई बात समझ में? तो अगर प्राइस करोगे तो बहुत कभी कभी गड़बड़ चीजें हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ प्राइस के रिस्पेक्ट में। टाटा नैनो एक अच्छा उदाहरण है कि टाटा ने ये सोचा था कि अगर कार का प्राइस कम होगा तो लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे, पर प्राइस इतना कम था, इतनी चीप थी वो कार कि लोगों को अब उसमें बैठने में शर्म आती है और कोई भी उसे चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहते हैं ना गरीबों की कार है। तो और हम लोग यार हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम स्टेटस सिंबल को बहुत प्रेफर करते हैं। हम सब चाहते हैं भले हमारी जेब में अठन्नी पड़ी हो, हम दिखाएंगे कि भैया 50 लाख के मालिक हैं, अभी 50 लाख है यार, समझ रही बात को? तो हम में ऐसा है। अच्छा, तो प्राइस वॉर में टाटा नैनो बहुत बुरी पिटी, अल्टीमेटली इनको बंद करना पड़ गया यूनिट। एंड प्राइस वॉर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार, कभी लाइफ बॉय का एग्जाम्पल दिया था। लाइफ बॉय का एक जमाना था जब पूरी मार्केट में लाइफ बॉय सोप मार्केट में किंग हुआ करता था, और लाइफ बॉय को लगता था यार कि अब हम तो किंग है इस मार्केट के, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता है, और लोगों के घरों में लाइफ बॉय। हाँ, क्योंकि हमारे घर में आप देखो तो एक पर्टिकुलर, एक 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, आप सबके घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो लाइफ बॉय लेके आते थे, और हम सबके घरों के टॉयलेट में, बाथरूम में लाइफ बॉय हुआ करता था। फिर हुआ क्या, अब वो लाइफ बॉय की वो टिकिया आती थी पिंक कलर की, उस पर पानी पड़ता तो सफेद हो जाती थी और बहुत गंदी तरीके से गलती थी। अच्छा, लोगों ने क्या किया, लाइफ बॉय लेकिन तब भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करा था। लाइफ बॉय ने कहा हम तो किंग हैं, हमें तो वैसे भी सब परचेज कर रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है। और उन्होंने अपनी टैगलाइन बनाई थी, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां हमारा लाइफ बॉय। अब हिंदुस्तान को इतना हिट करी, हिंदुस्तान लाइफ बॉय परचेज करा था। बाकी सभी कंपनीज ने कहा ठीक है भाई हम इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, किंग नहीं है तो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे भाई, हमारा काम अपने आप को इम्प्रूव करना है, हम इम्प्रूव करेंगे। और बाकी सोप कंपनीज ने इतना अच्छा इम्प्रूव किया, इतना अच्छा इम्प्रूव किया कि उन्होंने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ सोप लॉन्च किए, बहुत अच्छे सेप के साथ सोप लॉन्च किए, क्रिस्टल सोप के साथ क्रिस्टल सोप लॉन्च किए। तो अब लोगों ने कहा कि ठीक है लाइफ बॉय अब कुछ एक काम करते, कुछ नया फ्रेग्रेंस वाला यूज करते हैं, जम्स मारने वाला यूज करते, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला यूज करते। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जनता उन प्रोडक्ट की तरफ भी मूव करने लगी, क्योंकि बाकी कंपनीज ने अपने सोप्स को बहुत मॉडिफाई किया और बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी, और बेहतर किया तो लोगों ने, लोग उधर मूव कर गए। अब लाइफ बॉय को लोग, अच्छा ऐसा क्या, हमारी प्रोडक्ट को तुम लोग नहीं परचेज कर रहे हो, तुम लोग दूसरे पे मूव कर रहे हो। लाइफ बॉय ने कहा अच्छा ठीक है, हमने अपने प्राइस गिरा दिए। तो लाइफ बॉय ने जैसे अपना प्राइस गिराया, तुम लोगों ने लाइफ बॉय को बाथरूम से खिसका के टॉयलेट में रख दिया। भाई हाथ धुलने के लिए भी तो सुबह सुबह चाहिए होता है ना यार कोई सोप। तो तुमने क्या किया, नहाने के लिए तुमने बाकी सोप यूज किए, और हाथ धुलने के लिए सुबह सुबह तुमने लाइफ बॉय यूज किया। प्राइस गिराया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो कहाँ पहुंच गया, टॉयलेट में, अच्छा खासा बाथरूम में था, टॉयलेट पहुंच गया। और अभी तक ये मशक्कत कर रहे हैं, ये टॉयलेट से बाथरूम में नहीं आ पा रहे क्योंकि बाकी कंपनीज ने जगह ले ली। तो इसीलिए समटाइम्स ना प्राइस वॉर बहुत गंदा होता है। प्राइस वॉर से आप भले ही कितना अच्छा सर्व कर रहे हो, अपने प्राइस गिराया तो अल्टीमेटली जनता समझेगी ना कि यार ये चीप ही होंगे। आई बात समझ में? प्राइस वॉर इसलिए मार्केट में अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छे प्लेयर ज्यादा प्राइस वॉर नहीं खेलते हैं, क्योंकि प्राइस वॉर मार्केट को डिस्ट्रॉय करता है, अच्छी और हेल्दी मार्केट नहीं बनाता है। तो मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम्पल है, प्राइस वॉर किया तो इस तरह की स्थिति आएगी, इसलिए प्राइस वॉर करते नहीं है। एंड ऑलिगोपॉली में भी प्राइस वॉर नहीं होता है, यहाँ पे एक सेट प्राइस है, उसी सेट प्राइस पे सभी के सभी सेलर आपस में जो भी अपने ग्राहक हैं उनको गुड्स बेच रहे होते हैं, और एक सेट प्राइस होता है और रिजर्व प्राइस होता है, और उसी प्राइस पे ये क्या करते हैं, माल बेचते हैं। यहाँ पे देखो एक प्राइस है, इसी प्राइस पे, यहाँ पे इस प्राइस पे ये क्वांटिटी इस मार्केट में सेल की जाती है। आई बात समझ में? अच्छा आप माम, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, और ये एडवर्टीजमेंट और आफ्टर सेल सर्विसेज के बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हुंडई ने किया था। आफ्टर सेल सर्विसेज के बेसिस पे हुंडई ने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, एंड राइट नाउ हुंडई इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए जो भी सर्विसेज उनको देने पड़ी वो सर्विसेज करके ये अपने कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स प्राइस वॉर नहीं करते। लेकिन मैम मान लो अगर प्राइस वॉर हो जाए, तो फिर अगर ये प्राइस वॉर करेंगे तो क्या होगा यार, अगर ये प्राइस वॉर करेंगे तो बहुत नुकसान होगा इनका,
कैसे नुकसान होएगा, जरा देखो कैसे नुकसान होएगा। मान लो इस प्राइस पी पे ये क्वांटिटी क्यों कंज्यूम कर रहे थे, आप देखो नुकसान कैसे होगा। एक पर्सन थे जिनका नाम था सुजी, सूजी नहीं बेटा, सुजी। एक पर्सन थे जिनका नाम था सुजी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुजी मॉडल या किंग डिमांड। सूजी नहीं है बेटा, फिर कह रही हूँ यार, भूख लगी तुम लोगों को, सुजी मॉडल, ठीक है ना यार। तो ये इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने इसमें क्या कहा जरा देखिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि इन ऑलिगोपोली मार्केट जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इस पर्टिकुलर प्राइस पे सभी के सभी सेलर क्या कर रहे होते हैं, अपने माल को बेच रहे होते हैं, पर जो डिमांड कर्व होता है वो किंग शेप का होता है, तो इसको हम लोग किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अच्छा अब ऐसा क्यों होता है, ये डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है, जब देखिएगा ध्यान से। देखो मान लो कोई एबीसी लिमिटेड है, ये कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रही है 5 लाख रुपीज में, एंड द सेम प्रोडक्ट पी क्यू आर लिमिटेड बेच रही है 5 लाख रुपीज में। अब एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, अपने प्राइस को गिरा दिया, और गिरा के कितना कर दिया, 4 लाख कर दिया। पी क्यू एबीसी लिमिटेड ने अपने प्राइस को गिरा के कितना कर दिया, 5 लाख से 4 लाख कर दिया। अब यार अगर 5 लाख से 4 लाख कर दिया, तो मैंने कहा ना कि कंज्यूमर को तो सस्ता भी चाहिए होता है ना, तो सेम प्रोडक्ट है भाई इसका भी, ये भी सेम है, ये सेम प्रोडक्ट है और ये भी सेम प्रोडक्ट है, मतलब ब्रांड्स अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी की आप ब्रेजा ले लो, या आप हुंडई की i20 ले लो, बात तो सेम ही हो जाती है, दोनों सेम प्राइस में है, दोनों ही कह लो कि एक एंट्री लेवल एसयूवीज हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत प्राइस का फर्क होता है, थोड़ा ब्रांड का फर्क है, बाकी मतलब अब प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, माइलेज सेम है, सब कुछ सेम है, बट सिर्फ ब्रांड्स अलग है, ये एबीसी का है और वो पीक्यूआर का है। अब एबीसी लिमिटेड अपने इस प्रोडक्ट को बेचा था 5 लाख में, इसने क्या किया, 5 लाख से इसको 4 लाख में कर दिया। अब जैसे इसने 4 लाख में किया, तो यार पी क्यू आर लिमिटेड के जो ग्राहक होंगे वो इसकी तरफ मूव कर रहे होंगे ना, भाई 1 लाख सस्ता मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जैसे पी क्यू ने देखो ओ एबीसी लिमिटेड ने अपने प्राइस गिरा दिए, और आप क्या करें, अब हम एक काम करते हैं यार, हम भी अपने प्राइस गिराने पड़ेंगे वरना हम अपने कस्टमर को खो देंगे। मजबूरी में आके पी क्यू आर अपने प्राइस नहीं गिराना चाहता है, मजबूरी में आके पी क्यू आर ने भी अपने प्राइस क्या किए, 4 लाख कर दिए। तो जब तक इसने 5 लाख से 4 लाख नहीं किया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने ग्राहक चले गए चले गए, पर जैसे ही पी क्यू आर ने भी 4 लाख किया, तो अब इनके ग्राहक इनके पास रिटेन है, एंड एबीसी के जो बायर है वो एबीसी के पास रिटेन है, समझते हैं। तो जैसे ही इस मार्केट में एक फर्म ने अपने प्राइस को गिराया, दूसरा फर्म भी क्या करेगा, अपने प्राइस को गिराएगा। यहाँ पे देखो प्राइस में चेंजेस कितने ज्यादा है, क्वांटिटी चेंजेस कितनी कम है, तो अगर प्राइस गिराया तो इस टाइम पे यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि ग्राहक जाएंगे तो थोड़ी फर्क पड़ेगी डिमांड पे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। 5 लाख से 4 लाख के जितने जितना टाइम लगा इसको अपने प्राइस को कम करने में, उस टाइम पीरियड में थोड़े बहुत ग्राहक चले गए होंगे, लेकिन ज्यादा ग्राहक नहीं गए होंगे ना, तो प्राइस में मूवमेंट हुआ ज्यादा और डिमांड में चेंज हुआ कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस इलास्टिक ना। तो अब अगर इसीलिए अब अगर मोनो ऑलिगोपोली मार्केट में अगर एक फर्म अपने प्राइस को गिराएगी, इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो दूसरी मार्केट भी तो अपने प्राइस को गिराएगी, इंटरडिपेंडेंसी मजबूरी में गिराएगी यार। तो यहाँ पे यार अब इसका मतलब ये अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ, कंज्यूमर का ना, ए का फायदा हुआ ना बी का फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ, तुम्हारा फायदा हो गया यार, ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, वो दो चार ग्राहक का फायदा हुआ बस, बाकी फायदा तो कंज्यूमर का हो गया। तुमने 5 लाख का प्रोडक्ट 4 लाख में दिया, और दूसरे ने भी मजबूरी में आके भी 5 से 4 कर दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ कस्टमर लेके गया बाजी। तो इसीलिए ये मार्केट में प्राइस वॉर में प्राइस डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं करते। अब देखो अगली कहानी, अगर ये प्राइस इंक्रीज कर दे, प्रोडक्ट का प्राइस बेटा इनके कितना है, 5 लाख है, 5 लाख है। अब इन्होंने क्या किया, 5 लाख से प्रोडक्ट का प्राइस कितना कर दिया, 6 लाख कर दिया। आप जैसे 6 लाख किया, और इनके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 5 ही लाख है। अच्छा यहां पे तो 5 लाख से 4 लाख पे ना मजबूरी थी, ग्राहक भागे जा रहे थे,
यार अब यहाँ पे एक एबीसी ने अपने प्राइस को बढ़ाया और 6 लाख कर दिया, तो क्या पीकी वाल मजबूर है? नहीं, अब यहां से ग्राहक किसको मूव करेंगे? आई बात समझ में? और अगर ये अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो सारे ग्राहक को एंजॉय कौन करेगा? पीक्यूआर। तो जब भी ये फर्म, ये मार्केट में प्राइस क्या होता है, मान प्राइस बढ़ता है, तो ये केस में जो डिमांड होती है वो क्या होती है, ज्यादा फर्क डालती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, यहाँ पे क्या होगा, इट इज लेस देन वन। आई बात समझ में? अच्छा अल्टीमेटली देखो, दोनों दोनों दो नुकसान है। अगर प्राइस गिराया तो मजबूरी में आके दूसरी फर्म भी प्राइस गिराएगी और कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर तुमने प्राइस बढ़ाया और दूसरी फर्म ने प्राइस नहीं बढ़ाया, तब तुम्हारे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे और अल्टीमेटली तुम्हारा हो जाएगा नुकसान। तो तुम अपने नुकसान को क्यों करोगे? इसीलिए कहते हैं कि एक कॉन्स्टेंट प्राइस है, एक पर्टिकुलर प्राइस है, उसी प्राइस पे सभी की सभी मार्केट ये पर्टिकुलर मार्केट में माल को बेच रही होती है। आई कहानी समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, क्या बात है यार, यार हमने पढ़ाया बहुत अच्छा, तुमने पढ़ाया बहुत अच्छा। हेलो, बेटा हमारा बच्चा है क्या? हेलो, आ रहा है। बोल भाई, ये कहानी समझ में आई? चलो अभी एक काम करो, इसको रीड करो फटाफट, देखो कि क्या सारी बातें समझ में आ रही है।
सेम टू सेम। चलो तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे, अगर ये प्राइस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो इनका अपना खुद का ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट में कभी भी प्राइस वॉर नहीं होता है ना। चलो देखिए जरा ध्यान से, वेरियस फर्म्स इन ओलिगोपोली हैव टू एम्प्लॉय एग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव मार्केटिंग वेपन्स सो एज टू गेन ग्रेटर शेयर इन द मार्केट और टू एटलीस्ट मेंटेन देयर शेयर। एंड दीज फर्म्स अवॉइड प्राइस कटिंग एंड ट्राई टू कम्पीट नॉन प्राइस बेसिस एंड इफ दे एंगेज इन द प्राइस कॉम्पिटिशन दे विल बी अ प्राइस वॉर एंड विच विल ड्राइव फ्यू फर्म्स इन द मार्केट एंड फाइनली बाकी लोग इंजॉय कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है, उसी प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे ये गुड्स को सप्लाई करता है। जैसे ये है इनका प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, तो इसी पे ये क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे, जो भी गुड्स बेच रहे हैं उसको सप्लाई करेंगे। और अगर ये अपने प्राइस को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी, अगर बढ़ाएंगे और बाकी मार्केट अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी फर्म्स अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके जो ग्राहक हैं, मतलब जो जिन्होंने प्राइस को बढ़ाया है, उनके ग्राहक कहाँ मूव कर जाएंगे, बाकियों के पास। मजा नहीं आया? यहाँ देखो, एबीसी लिमिटेड ने अपने प्राइस बढ़ा दिया, और अगर पीक्यूआर ने नहीं बढ़ाए तो इनके ग्राहक किसके पास चले जाएंगे, इनके पास। अल्टीमेटली ये ग्राहक को एंजॉय करेंगे और ये मार्केट से बाहर फेंक दिए जाएंगे, समझता है। और अगर प्राइस रिड्यूस करेंगे, तो इन्होंने रिड्यूस किया तो ये अपने ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीक्यूआर अपने ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूरी में ये भी प्राइस को गिराएगा। तो जब प्राइस रिड्यूस होएगा, डिक्रीज होएगा तो लेस इलास्टिक, प्राइस इंक्रीज होएगा तो मोर इलास्टिक होएगा। आई कहानी समझ में? तो आज की सेवा यहाँ तक के लिए करेंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट कल करेंगे।